हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड दी मोलेक्युलर वेट्स। ओके दोस्तों, ऐसे तो हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेक्युलर वेट शुरू करने जा रहे हैं, बट स्टिल वी आर वर्किंग विद दी लास्ट चैप्टर ऑल्सो। आपके पास वर्कशीट है, आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करते रहना है, और एज पर एज जब भी दोस्तों टाइम मिलेगा इन दी डाउट सॉल्यूशन और इन दी पर्सनल क्वेरी, यू कैन आस्क दी क्वेरी फ्रॉम दैट लास्ट चैप्टर। सो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बट स्टिल लास्ट चैप्टर इज रनिंग। ओके, ये माइंड में रखना है। चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड द मोलेक्युलर स्ट्रक्चर। फ्रॉम दी हेडिंग ऑफ दी चैप्टर हमको पता चल रहा है यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, और क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें आप एडिशन करने वाले हो। ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th में इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़े हो। जैसे आपको मालूम है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड इज फैमिलियर टू यू। यू आर आई थिंक अवेयर फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो। सो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पता है, एज वेल एज आपको ये भी पता है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। आपको मालूम है दैट H2O हैज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, CH4 हैज अ सॉरी H2 हैज अ बेंट स्ट्रक्चर, बेंट HOH वो बेंट रहेगा। CH4 मीथेन इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो ये आपको मालूम है मीथेन का टेट्राहेड्रल है और H2O का बेंट है, बट यू आर नॉट अवेयर वाई H2O हैज अ बेंट स्ट्रक्चर एंड वाई CH4 हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दैट वी आर गोइंग टू इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे, आपको ये पता चलेगा उसका स्ट्रक्चर कैसे है। एंड केमिकल बॉन्डिंग्स में आपको ज़्यादातर मालूम है ये कोवेलेंट है और ये आयोनिक है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर कोई इंटर आयोनिक बॉन्ड है, बट एक्चुअली वो बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेट होगा, क्यों किसी संयोजन कंपाउंड में आयोनिक है और अनदर कंपाउंड में कोवेलेंट है, और क्यों कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्मेट हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल फिनोमिना फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, एक्चुअल फिनोमिना फॉर द आयोनिक बॉन्ड, एक्चुअल फिनोमिना फॉर द वेरियस केमिकल बॉन्ड्स, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो एडिंग से दोस्तों आपको कहीं सारी चीज़ें पता चल रही है। ओके नाउ दोस्तों, अभी जितने भी मैटर आपके टच में है, मेरे टच में है, वो ज़्यादातर केस में मैटर मीन्स जो भी नेचर से हमको डायरेक्टली मिल रहा है, वो ज़्यादातर केस में इन द मैक्सिमम केस दे आर इन द मिक्स्ड फॉर्म, दे आर नॉट इन अ प्योर फॉर्म। यस, अगर बात करें हम हेलोजन गैस सॉरी ग्रुप नंबर 18 नॉबल गैसेस की, दैट नॉबल गैसेज हमको इन अ प्योर फॉर्म हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन मिल सकते हैं, बिकॉज दे आर इनर्ट, दे डू नॉट वॉन्ट टू रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट। सो दे अकर्स इन नेचर इन अ प्योर फॉर्म, नेचर में दोस्तों प्योर फॉर्म में वो मिल सकती है। हाँ, दूसरी बात करें चैप्टर में NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट हमको याद रहना चाहिए दोस्तों एलिमेंट है, आप इसका आपके दिमाग में रहा ही होगा, सर अभी क्वेश्चन बता रहे सभी मिक्स में ही मिलते हैं, बट गोल्ड एंड प्लेटिनम की बात करें, यस गोल्ड एंड प्लेटिनम ये आपको प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारी माइनिंग होती है, बहुत सारी माइनिंग के बाद मिट्टी बहुत सारी मिलती है, उसमें से माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में गोल्ड या प्लेटिनम कवर कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जितना भी गोल्ड या जितना भी प्लेटिनम है और सभी आपको इनर्ट फॉर्म में मिलेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा, कहीं उसके वैसे तो नॉन रिएक्टिव है, बट उसकी कुछ रिएक्शन तो पॉसिबल है। सो उसके कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिलेंगे जो रिएक्टेबल हो, बट मेजोरिटी मेटल में नॉन रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड एंड दी प्लेटिनम विच इज़ रिकवर एज अ प्योर फॉर्म। अभी दोस्तों एक रिएक्टिव मेटल है दैट इज़ कॉपर, उसके बारे में भी यहाँ पे किसी जगह पे इंडिकेशन नहीं है, बट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन 12th साइंस में आप पढ़ोगे कॉपर मेटल की। अभी जितनी भी कॉपर हमको मिल रही है आज के दिन में, वो टोटल प्रोडक्शन के 2-3% 2-3% ऐसी मात्रा है जो प्योर फॉर्म में मिलेगी, मतलब डायरेक्टली कॉपर मिलेगा, बाकी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड और वेरियस और सोर्विकेन से उसके उससे मिक्सचर मिल सकते हैं। ऐसे अगर आप दूसरे मेटल की बात करो, दूसरे नॉन मेटल की बात करो, तो सभी आपको कैसे मिलेंगे, ग्रुप में ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे माइनिंग करते हो और माइनिंग में आपको कोई स्टोन मिलता है और उसको एनालिसिस करोगे, एक्चुअली है तो कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन है, इट मीन्स कैल्शियम इज देयर, कार्बन इज देयर एंड ऑक्सीजन इज देयर, सो दैट इज दी ट्रायो और वी कैन से मिक्सचर ऑफ दी कैल्शियम कार्बन एंड दी ऑक्सीजन, सो दे कैन नॉट रिकवर इन अ प्योर फॉर्म। आई रिपीट, वो हमको क्या मिलेगी, मैटर मेडअप विथ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट,
और ज़्यादातर केस में हमको ये मिक्स में मिलने वाला है, इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगी। दिस इज़ प्योर कॉपर, दिस इज़ प्योर सल्फर, दिस इज़ प्योर सिल्वर, दिस इज़ प्योर नाइट्रोजन, दिस इज़ प्योर ऑक्सीजन, दैट वी कैन नॉट अकर्स रिकवर। सो इंडिपेंडेंट इन नेचर, उसके आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, नो इंडिपेंडेंट इन नेचर, वो नेचर में इंडिपेंडेंटली हमको मिलते नहीं है, ये बात दिमाग में रखनी है। हाँ यस, वहाँ पे एक्सेप्शन क्या होगा, दैट नॉबल गैसेस वी कैन रिकवर एज अ इनर्ट फॉर्म, प्योर नॉबल गैसेस हो सकती है। प्लस थोड़ा मैंने ऐड किया सम नॉन रिएक्टिव मेटल लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड, कुछ हद तक मिल सकती है। उसका एक और चीज़ मैंने, जितनी टोटल उसकी कैपेसिटी है उसके 2% कॉपर, वो भी हमको इनर्ट फॉर्म में मिल सकती है। बट इसके लिए कोई दस तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये किस तरह से मिलेगी और 2% या 3% जो मिल रहे उसके बारे में हमको ऑलरेडी 12th में पढ़ना है। सो अभी से टेंशन नहीं है, अगर आपको अभी ये याद नहीं रहता तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नॉट टू वरी, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी दोस्तों मतलब इनर्ट फॉर्म में नहीं मिल रही, इट मीन्स वो हमको ग्रुप में मिलेगी, सिमिलर एटम के या फिर सिमिलर एलिमेंट के एटम हो सकते हैं ग्रुप में या डिफरेंट के भी। सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट H2O, तो H2O में किसका ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। इफ यू टॉकिंग अबाउट H2, ओनली हाइड्रोजन, Cl2, ओनली हाइड्रोजन। सो किसी सिंगुलर एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा एलिमेंट के आइटम भी हो सकते हैं, बट दे मेड अप इन दी मिक्स फॉर्म, दैट इज श्योर, वो हमको मिक्स फॉर्म में ही मिलेंगे। इट मीन्स वो मिक्स हो रहे, मतलब उन लोगों का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ हो रहा है, इट मीन्स उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज नथिंग बट दी केमिकल बॉन्ड्स। एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ, मतलब उसके बीच में कुछ कनेक्शन तो चाहिए ना, दैट कनेक्शन इज नथिंग बट दी केमिकल बॉन्ड्स, नॉट जेम्स बॉन्ड, यस ओके। वो केमिकल बॉन्ड्स के एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं, आई रिपीट, वो केमिकल बॉन्ड्स के एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं। The types are covalent and the ionic and the hydrogen and the metallic and etc. Clear? So, the attractive force which holds various constituents, I repeat, the attractive force which hold various constituents like atom or ions. Matlab, if they are in the covalent bond, they are known as the atom. If they are in a covalent bond, if they are in an ionic bond, then they are in the ion form, if NaCl, Na plus, Cl minus, okay. So constituents are nothing but the, they may be atom, they may be ions or etc. Together in different chemical species is called a chemical bond. I mean to say, suppose आपने NaCl का structure देखा होगा, है ना 11th में, तो आपको पता होगा यहाँ पे सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। सो ये बीच में जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो है, दैट इज नथिंग बट दी केमिकल बॉन्ड, आई रिपीट, वो और कुछ नहीं है, केमिकल बॉन्ड है। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस केमिकल बॉन्ड्स, वी कैन डिस्क्राइब द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम ए एंड एटम बी और एटम बी सी डी एक्सेट्रा। सो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये वो सभी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखता है, दैट फोर्स इन दी केमिकल स्पीसीज, अलग अलग केमिकल स्पीसीज के अंदर दैट फोर्स इज नॉन एज अ केमिकल बॉन्ड्स। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सर NaCl का बॉन्ड हो सकता है, पोटेशियम और क्लोरिन का बॉन्ड हो सकता है, मीन टू से NaCl is possible, KCl is possible, but NaK is not possible. So, कोई reactant particular दूसरे reactant से या फिर कोई atom एक दूसरे atom के साथ अच्छे से react करता है, but second और कोई दूसरा element की बात करें तो उसके साथ react नहीं कर रहा, it means some problem is there. या फिर कहीं बार ऐसा भी होगा, एक element दूसरे element के साथ एकदम ठीक से react कर रहा है, बट तीसरे एलिमेंट के साथ जब हम कंट्रीब्यूशन करें तो रिएक्ट करेगा, बट रिएक्शन उसकी कैसी होगी, कम होगी। सो एट्रैक्शन, दिस टाइप्स ऑफ एट्रैक्शन फोर्स विच आर नथिंग बट दी केमिकल बॉन्ड्स, वो किसी एलिमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा है, किसी एलिमेंट के बीच में कम है, तो कहीं पे तो है ही नहीं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे के जो रीजन है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर टू कम्प्लीट अवर फंडामेंटल केमिस्ट्री अबाउट द बॉन्ड्स एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। वी हैव टू लर्न फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट,
और उसमें से दोस्तों तीन कंसेप्ट तो ऐसे है जिसकी हमको बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज फ्रॉम दिस क्वेश्चन कंपलसरी 2 or 3 क्वेश्चन फॉर दी नीट आर देयर। नीट एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन फॉर JEE इज देयर, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये चैप्टर से तो पीछे जो हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, मतलब कभी ऐसा है अब कभी नहीं है, और बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने थे, बहुत सारे सम करने थे, फिर अगर उसमें से एक क्वेश्चन आता है तो दिक्कत है, वो कभी आता है कभी आता भी नहीं। बट फ्रॉम दिस चैप्टर सम क्वेश्चन कंपलसरी इन दी एग्जाम आर देयर, नीट में 2 या 3, JEE में मिनिमम 1। सो अगर ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो ये पूरा फंडामेंटल ये चैप्टर कवर करना पड़ेगा, उसके लिए हमको 4 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड करना है। और 2nd, 3rd and 4th पोर्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। तो ये फर्स्ट पोर्शन है कॉसल लुईस अप्रोच, और वी कैन से एक्चुअली किसेल लुईस अप्रोच, दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट एज अदर टॉपिक्स, बट स्टिल देर आर पॉसिबिलिटी टू क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। सो ये टॉपिक भी हमको पढ़ना ही है, बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ये तीनों और टॉपिक के थे। फर्स्ट इज कॉसल लुईस, देन VACPR। VACPR नथिंग बट दी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वैलेंस सपोज ये अगर कोई एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, ये उसका सेंटर है, तो जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है सब एकदम बाहर की ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस ऑर्बिट, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन राइट वैलेंस सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। पेयर रिपल्शन, वहाँ पे जो पेयर बनेगी वो पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज, सिमिलर माइनस चार्ज। ओके, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। फॉर दिस स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर के बारे में कहीं सारे इतने आपके दिमाग में कन्फ्यूजन थे दैट वी कैन सॉल्व फ्रॉम द VACPR। देन 2 more कंसेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थियरी VB और VBT, कहीं जगह पे VB लिखा मिलेगा, कहीं जगह पे VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी, एंड लास्ट वन इज मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज लुईस अप्रोच। एक्चुअली कॉसल और किसल लुईस अप्रोच में से दोस्तों दोनों को अलग कर सकते हैं, सिमिलर थे, सबसे पहले थे, इतना इम्पोर्टेंस इसलिए अभी मैं दे रहा हूँ, उसमें एरर ये बाकी कंसेप्ट की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल वी हैव टू लर्न बिकॉज ऑफ कॉसल लुईस अप्रोच इज इन अवर सिलेबस। और क्वेश्चन भी आगे ऐसा नहीं है कि नहीं आए, इन कंपेरिजन टू दिस टॉपिक कम है, लेकिन क्वेश्चन है, सो वी हैव टू लर्न। सो फर्स्ट इज लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अभी कॉसल और लुईस दोनों की मैं कंबाइन बात करूँ, जब दोस्तों हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी अबाउट दी कंपाउंड, अबाउट दी केमिकल बॉन्ड्स, अबाउट दी कॉन्ट्रीब्यूशन, अबाउट दी कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एट दैट टाइम दोस्तों उन लोगों ने क्या किया था, फॉर दी केमिकल बॉन्डिंग ये अपना फिनोमिना दिया था। सो तब के टाइम में उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, क्यों, जब आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप क्राइम पेट्रोल में देखते हो, जब पुलिस वालों के पास बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं होते तब छोटा सा प्रूफ भी काम चला लेते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब इन दोनों का अप्रोच आया था, सो तब उसकी इंपॉर्टेंस थी। अभी तो हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज एक्चुअल बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, व्हाट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ओके, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टार्ट लुईस अप्रोच। 1916 में दोनों ने अपने अप्रोच एक साथ दिए थे, बोथ आर सिमिलर, बट कॉसल अप्रोच इज, आई रिपीट, कॉसल अप्रोच और किसल अप्रोच इज सम हाउ मोर सिस्टमेटिक देन लुईस। उसने जो बात की थी वो बात ज़्यादा सिस्टमेटिक थी, किसकी कंपेरिजन में, लुईस की कंपेरिजन में, हालांकि दोनों ने ज़्यादातर बात जो की थी वो कॉमन ही थी। क्या क्या बात की थी वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने दोस्तों ऑक्टेट रूल पर थोड़ा फोकस किया, ऑक्टेट रूल पे। अभी ऑक्टेट रूल क्या है दोस्तों, अगर हम किसी भी इनर्ट एलिमेंट की, इनर्ट गैसेस की या फिर नोबल गैसेस की बात करें, तो आप बोलोगे सर उसमें कॉमन चीज़ें हैं, नोबल गैसेस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, NH2NP6, दैट्स वाई दे आर नोबल। सो इन दोनों ने ये फोकस किया, कोई भी एलिमेंट हो अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 8, तो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, अगर कम इलेक्ट्रॉन हो तो किसी से ले लेगा। अगर डोनेशन एंड एक्सेप्शन इज नॉट पॉसिबल, ये दोनों चीज़ नहीं हो रही, देन दे आर गोइंग फॉर द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, और पार्टनरशिप करेगा, 4 दे रहे 4 मेरे टोटल 8 हो गए,
दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस टू टॉपिक. ओके, सो यहाँ पे क्या था दोस्तों, उसने क्या किया था, पहले ये कह दिया किसी भी एटम को, कोई भी एटम हो, दैट एटम इज एक्चुअली अ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल. कर्नल मीन्स पेयर, आई रिपीट, कर्नल मीन्स स्पेयर, गोला. ठीक है, किसी भी एटम को उसने सपोज किया, दैट एटम इज नथिंग बट दी पॉजिटिवली चार्ज कर्नल. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, लेट अस सी. यहाँ पे दोस्तों सेंटर है, देर आर प्रोटॉन्स इन द सेंटर बिकॉज वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इज देयर. और इसने क्या किया था, इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन को काउंट किए. सपोज दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया, उसको थोड़ी देर के लिए अलग रखा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए अलग रखा. उसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज नथिंग बट दी पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर्नल बोला बिकॉज ऑफ सेंटर. सर आप भूल रहे हो, अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है देन नेगेटिव चार्ज इन दी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. बट दोस्तों हम ये कह सकते हैं दैट सम मोर पॉजिटिव चार्ज देन इलेक्ट्रॉन इन कर्नल. क्यों? क्योंकि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे काउंट नहीं किए. एक्चुअली अगर कोई हम न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, देन वी कैन से टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल. बट यहाँ पे दोस्तों प्रोटॉन उतने ही है सेंटर में जितने पहले थे, बट सम इलेक्ट्रॉन आर लेस, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन नहीं गए, सो दिस इज दी कर्नल. फिर उसने क्या किया, अभी फिर ये किया कि भाई अगर कोई भी एटम हो, उसको उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेटल डाउन होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. और उसका एक सेंटेंस था जो हमको हमारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए आएगा नहीं. उसने ये बोला था, देर आर 8 इलेक्ट्रॉन, देर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन ऑल कॉर्नर ऑफ द कर्नल. सर यहाँ पे तो दिक्कत है एक्चुअल में, आपने ये बोला 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ओके, बट ऑल 8 कॉर्नर ऑफ द कर्नल. सर यहाँ पे कॉर्नर कहाँ पे है? सो एक्चुअल में उसने बात की थी कर्नल की, साथ में बोला कॉर्नर, कर्नल में कॉर्नर नहीं है. ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ में आपको कहीं पे कॉर्नर दिख रहा है एक्चुअल में? नहीं दिख रहा. सो एक्चुअल में सपोज ये किया होगा कि इसी तरह से ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, ये सेंटर, और इसके अंदर सपोज करो ये दिस 8 आर सब कॉर्नर्स, और यहाँ पे क्या बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. देन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, आई मीन टू से NH2NP6, आई मीन टू से सिमिलर लाइक नोबल गैसेस, ये होना चाहिए. दैट वॉज दी सेंटेंस फ्रॉम दी लुइस. अभी दोस्तों ए टॉपिक की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दैट कोसेल अप्रोच इज मोर सिस्टमेटिक देन लुइस. इसी के लिए बताई थी, पर्टिकुलर फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रही है. फर्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेयर और कर्नल और बोल, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्नर, वहाँ पे कॉर्नर कैसे आएंगे? बट फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि उसने जो कर्नल की बात की उसी के अंदर इस तरह के 8 कॉर्नर, आई मीन टू से 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देन दैट इज न्यूट्रल, और वी कैन से नॉन रिएक्टिव, और वी कैन से स्टेबल. सो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अगर किसी के पास मोर देन 8 है, सपोज ये स्पेयर है, ये कॉर्नर है, इसके ऊपर दूसरा एग्जैक्ट दूसरा है सिमिलर लाइक दिस, इसके एग्जैक्ट ऊपर, अगर आप सपोज करो आपके पास कोई एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स, और स्क्वायर बॉक्स आपने एक दूसरे बॉक्स के अंदर रखा है, अंदर के स्क्वायर बॉक्स के 8 कॉर्नर पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके अलावा जो बाहर का स्क्वायर बॉक्स है वहाँ पे भी 8 कॉर्नर है, उस 8 में से एक ही कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन है. तो इसने कि अगर ऐसा कुछ है कि आपके भाई आपके जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा ऊपर हम दूसरा स्क्वायर सपोज करें वहाँ पे भी 8 कॉर्नर है, वहाँ पे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डोनेट कर दो. 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डोनेट कर दो. उसको डोनेट करने के साथ अंदर का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. दूसरी बात ये कि सपोज आपके पास 7 है, तो आप 7 डोनेट करोगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो क्या किया, अगर 7 है, 6 है, आई मीन 5 भी है ऑल्सो, पर ज़्यादातर केस में 7 में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. 7 खुद के थे, एक किसी का ले लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8.
सो एनी हाउ क्या करना है, अगर ज़्यादा है तो डोनेट करो, कम है तो लेके आओ, बट फुलफिल योर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो हम सोडियम के एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, यू ऑल आर अवेयर दैट सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सो ऐसा तो कोई स्फेयर है, उसके अलावा और एक स्फेयर क्यूब है, और वो क्यूब के एक कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करना पड़ेगा, सोडियम को प्लस वन बनना पड़ेगा। यू कैन सी प्लस वन बनने के साथ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल इट्स ऑक्टेट। दैट वॉज द फिनोमिना ऑफ द लुईस अप्रोच। चलो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, डोनेट कर दिया। अगर मैग्नीशियम होता तो दो डोनेट करता, अगर वहाँ पे एल्यूमिनियम होता तो तीन डोनेट हो सकते थे। सामने दोस्तों नेगेटिव की बात करें, इस तरह से कोई पॉजिटिव आयन जनरेट होगा, दैट वी सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन में एक्चुअल कितने हैं, 287 दोस्तों। एक्चुअली क्लोरीन हम लिख नहीं सकते, वी हैव टू राइट Cl2, बट टू अंडरस्टूड अवर कंसेप्ट आई एम राइटिंग Cl इज देयर। Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 287। अभी अगर ये प्लस 7 करे तो भी वहाँ से क्या हो सकता है, प्लस 7 करे तो 28, और माइनस 1 करे तो यही 8 हो जाएगा। सो विच इज़ प्रैक्टिकली मोर पॉसिबल, प्लस 7 और माइनस वन टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन क्या करेगा, ऐसे कोई सोडियम या फिर अनदर कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनेगा एंड फुलफिल इट्स ऑक्टेट। किसी भी तरह से अपनी ऑक्टेट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। 8 इलेक्ट्रॉन इज देयर, 3s2 3p6 इन Cl माइनस, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सोडियम डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6, क्लोरीन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, 2s2 3s2 3p6। दिस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन विच इच अदर एंड फॉर्मेट अ आयोनिक बॉन्ड। वहाँ पे दोस्तों वो चार्ज की डिफरेंट चार्ज की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक बॉन्ड जनरेट होगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज अ आयोनिक बॉन्ड, और वी कैन से कोवेलेंट इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। इसके बारे में दोस्तों आगे पढ़ेंगे, सो इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट में कंप्लीट किया। अभी दोस्तों ये बात कब हुई, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते, बट कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आएगी वेयर यू कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन और यू कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा। सी इफ यू टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन की आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उसको मैं जस्ट यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे शॉर्ट में देखने वाले हैं, बट सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 7 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये दूसरा क्लोरीन, उसके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। अभी कोई पूछता है ये क्लोरीन से, भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो प्राउडली बोलेगा आई हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे है, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्लोरीन को अगर कोई पूछता है तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर डोनेशन पॉसिबल नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, देन शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। सिमिलर विथ F2 एंड N2, N2 में तो दोस्तों 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, आपको मालूम है नाइट्रोजन में, एंड दिस इज सेकंड नाइट्रोजन, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया शेयरिंग N2, क्लियर है। H2 इज एक्सेप्शन केस हियर दोस्तों, इनर्ट में भी, नॉबल गैसेस में भी आपको मालूम है हीलियम इज दी एक्सेप्शन केस। हीलियम के पास NH2 NP6 नहीं है, ओनली NH2 है। सिमिलर विथ H2, अगर हम बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ही पार्टनरशिप होगी, H2 इज द फॉर्मेट। और अगर वहाँ पे कोई पूछता भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देन हाइड्रोजन से आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन लाइक हीलियम। पहले बात हुई इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, बाद में बात हुई इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्शन की, बाद में हुई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की। इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करके प्लस माइनस बनने के बाद जो केमिकल बॉन्ड बनेगा दैट वाज आयोनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज
कोवेलेंट बॉन्ड। और ये दोनों बॉन्ड के लिए दोस्तों हम ठीक से बहुत एक दो या तीन लेक्चर पढ़ने वाले हैं, सो नॉट टू वरी, अलग से ये पढ़ेंगे ही। अभी इसके अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल अगर आपको लिखना तो आप क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे पता चली गया है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो डोनेट कर दो, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो डोनेट करो, मोर देन 8 है तो, कम है तो लेके आओ, अगर ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करो, बट एनी हाउ मेक 8 इलेक्ट्रॉन इन योर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज़ दी डेफिनेशन फॉर दी ऑक्टेट रूल। एटम्स कैन कंबाइन आइदर ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, लाइक इन NaCl सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, टू क्लोरिन क्लोरिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, आई मीन टू से गेनिंग और लूजिंग, यहाँ पे सोडियम क्लोरिन गेन करेगा, सोडियम लूज करेगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं है देन बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेयर, अगर वहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पॉसिबल नहीं है, कैचअप करना पॉसिबल नहीं है, देन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज देयर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट इज ऑक्टेट रूल। अगेन ये ऑक्टेट रूल को भी हम फिर से पढ़ेंगे, और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है जहाँ पे ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है बट स्टिल दे आर स्टेबल, सम कंपाउंड्स आर देयर विच इन विच ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोइंग बट स्टिल दे आर स्टेबल, ये क्यों है ये भी पढ़ेंगे। ओके अभी दोस्तों ये मैंने जो लिखा था इसके लिए आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन होगा, सर ये एक्चुअल में आपने क्या किया था, दे आर नथिंग बट दी लुईस सिंबल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस सिंबल। अभी सर ये लुईस सिंबल क्या है एक्चुअली, लुईस सिंबल इज नथिंग बट दी वी कैन शोन अ फ्री इलेक्ट्रॉन और वी कैन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द डॉट मार्क्स विद दी फॉर्मूला ऑफ दी एटम। सपोज अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो आपको मालूम है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर करो या इन गिनो कोई दिक्कत नहीं है, सो आई कैन राइट इस इलेक्ट्रॉन को एज ए डॉट दिखा सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ बोरोन की तो मेरे को मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ द बोरोन, 1 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एंड बोरोन, सो एटॉमिक नंबर इज 5। इफ एटॉमिक नंबर इज 5 देन अभी उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन याद होनी चाहिए 1s2 2s2 2p1, सो अगर 1s2 2s2 2p5 है आप यहाँ पे देख सकते हो 1s1 1s2 देन 2s1 2s2 2p1 2s2 2p1 है, शायद मैंने 2p5 बोल दिया है, 2s2 2p1, अगर 2p5 बोला तो करेक्ट करना। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन हुए दोस्तों, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, यही हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन है, सो जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑर्बिटल में है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 एंड 3। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन आई कैन राइट 1 2 3 एंड 4, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5, फॉर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, फॉर फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फॉर नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये तो आप डॉट के साथ लिख सकते हो और आपने डॉट के साथ ही दिखाया है, बट मे बी आपको ठीक से वीडियो में ना दिखे, सो थोड़ा चेंज करने जा रहा, ओके अभी दिखेगा। अभी दोस्तों ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्चुअल में लुईस कंसेप्ट में तो डॉट के बारे में ही बात की थी, बट क्रॉस भी लिखते हैं टू डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मोलेक्यूल, अगर एक ही मोलेक्यूल में दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हम दिखा सकते हैं, ये अपने खुद से ऐड करना है, बट एक्चुअल दिस इज कंसेप्ट, जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन शोन दैट इलेक्ट्रॉन बाई डॉट, आउटर मोस्ट टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। अभी सिमिलर कंसेप्ट लागू होगा दोस्तों जब ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तब ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों, जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट बनेगा तब हमको ये उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट करने में या फिर वहाँ पे
नेगेटिव आयन बनेगा या फिर पॉजिटिव आयन बनेगा वो जानने में ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम उसके बाद दोस्तों कौशल कंसेप्ट पढ़ेंगे, कौशल अप्रोच एंड विद दी कौशल अप्रोच और एक एडिशनल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हमको इसके बारे में ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट लुईस सिंबल इज रिपीट इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। अगर जल्दी से यहाँ पे हुआ है और थोड़ा बहुत कम समझ में आए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों ये रिपीट होगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।